नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की बाकी परीक्षाएं 18 से 16 जून तक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की शेष परीक्षा 18 से 16 जून के बीच कराई जाएगी। वहीं 10वीं की शेष परीक्षा अब नहीं कराई जाएगी। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड की रिजल्ट भी तैयार किया जा रहा है। 7 स्टार रेटिंग में इंदौर को मिले 5 स्टार। मैसूर और नवी मुंबई के साथ टॉप 6 शहरों में शामिल भोपाल और उज्जैन को 3 स्टार मिले। 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों में छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, गुजरात, राजकोट, सूरत शामिल। खारगोन, बुरहानपुर, ओमकारेश्वर, पीथमपुर, छिंदवाड़ा, कांटाफोड़, कटनी और सिंगरौली 3 स्टार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, खंडवा, महेश्वर, सरदारपुर, हतोद, बंधनवार व सहनाजगंज 1 स्टार। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 5241 पर पहुंची। ग्रीन जोन वाले जिलों में बाजार खुले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। ग्रीन जोन में सुबह से सैकड़ों बाजारों की भीड़ देखी जा रही है। इंदौर में सबसे ज्यादा 2637 और भोपाल में 1081 संक्रमित। राजधानी को 4 सेक्टर बांटा। उद्योग के लिए 50% जबकि निजी दफ्तरों के लिए 33% स्टाफ की अनुमति। भोपाल को 4 सेक्टर कोलार, रातीबड़, होशंगाबाद रोड, BHL एरिया बैरागढ़ और गोविंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बांटा। इन सीमाओं के अंदर संचालित उद्योग और निजी दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। प्रदेश में ऑरेंज जोन खत्म, सिर्फ रेड और ग्रीन जोन रहेंगे। 42 जिले पूरी तरह ग्रीन। भोपाल की शहरी सीमा इंदौर उज्जैन जिले रेड जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। रेड जोन में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं की छूट, दफ्तर आदि क्षमता से खुलेंगे। ग्रीन जोन में सभी बाजार, दफ्तर खुलेंगे। निजी वाहन से आवागमन की छूट। सैनिटाइजर का टेस्ट के बाद इस्तेमाल, हर 4 घंटे में कर रहे हैं डिसइंफेक्ट। कोरोना संक्रमण लड़ाई के लिए अन्य अस्पतालों की व्यवस्था बदल रही है। ईदगाह हिल्स स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजर और डिसइंफेक्शन लिक्विड का इस्तेमाल भी लैब में टेस्टिंग के बाद किया जा रहा है। कंटेनमेंट एरिया से आने वालों को नहीं रख रहे रिकॉर्ड, होम क्वारंटाइन कर रहे हैं खानापूर्ति। अधिकारियों को या अनदेखी लोगों पर पड़ सकती है भारी, फिर भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी सैंपल के बहाने या अन्य किसी बहाने से अपने निजी साधनों से शनिवार को घर चले जाते हैं, सोमवार को वापस ड्यूटी पर आते हैं। मजदूरों की मदद के लिए दौड़ रहे हैं मददगार। बागरोत, तिराहा, विदिशा, सागर हाईवे से जाने वाले प्रवासी मजदूरों के वाहनों को रोककर मानव एकता संघ के सदस्यों ने खिचड़ी और पानी की पहुंच वितरित किए। इस हाईवे से पिछले 1 सप्ताह से लगातार प्रवासी मजदूर से भरे ट्रक, बसें व लोडिंग वाहन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार व पंजाब के लिए निकल रहे हैं। भोपाल इंदौर हाईवे से बड़ी संख्या में लौट रहे मजदूर, वाहनों की आवाजाही से बढ़ रहे हादसे। 10 दिनों में हो चुके हैं आधे दर्जन हादसे, मामूली रूप से हुए घायल। सोमवार को डोडी चौराहा बस खड़े ऐशा से भीड़ी, आई मामूली चोट। आर्थिक संकट का सामना कर रहे नागरिकों ने मांगी सहायता। कोरोना महामारी के चलते देश में लगभग 2 माह से लॉकडाउन जारी है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डेकोरेटर्स एंड साउंड सिस्टम का काम कर रहे लोगों के परिवार के सामने आर्थिक संकट और अन्य समस्या उत्पन्न हो गई है, जिन्हें लेकर 3 सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन CM को कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।